राजधानी दिल्ली और एनसीआर में इन दिनों बादलों की आंख मिचौली चल रही है। कभी जोरदार बौछारें पड़ जाती हैं तो कभी तेज धूप के बीच उमस पसीना छूटने लगता है। मॉनसून की मेहरबानी से यूं तो इन दिनों देश के तमाम हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम के बदलते मिजाज के बीच लोगों को राहत का इंतजार ही रहता है। दिल्ली के कई हिस्सों में रविवार को भी बारिश हुई और लोगों को उमस से कुछ राहत मिली, लेकिन मौसम के जानकारों की माने तो ये स्थिति अभी कुछ समय तक बनी रहेगी। देखिए, बारिश तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि समय चलिए ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है। वो जनरली क्या होता है कि जब रेनफॉल एक्टिविटी होती है देन इट्स फाइन, कंफर्टेबल लगता है। अदरवाइज क्या है कि जब रेनफॉल नहीं होती ह्यूमिडिटी हायर साइड रहता है और थोड़ा टेम्परेचर भी स्लाइटली हायर रहता है, इसलिए डिसकम्फर्ट थोड़ा सा फील होता है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अगले 5-6 दिनों तक हल्की बारिश होने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर मानसून की चाल में बदलाव के कारण दिल्ली में बारिश पर असर पड़ रहा है। उसके प्रभाव से क्या है कि जहां जो रेनफॉल एक्टिविटी है लाइट ही रहेगी, हल्का फुल्का कहीं पे ड्रिजल या लाइट रेनफॉल हो सकता है, और 2 दिन के बाद जैसे मानसून ट्रफ का फिर वेरिएशन आएगा उसके बाद लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का पॉसिबिलिटी है। दिल्ली में है सर अलर्ट या बारिश की? नहीं, दिल्ली के रिलेटेड कोई अलर्ट नहीं है। मौसम के जानकारों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण, पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासतौर से राजस्थान, गोवा और केरल में बारिश को लेकर सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो मेजरली जो वेदर है वो ज्यादातर पेनिनसुलर इंडिया पे ज्यादा वेदर हो रहा है, और आने वाले दिनों की बात करें हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोस्टल कर्नाटका, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, जहाँ के लिए हम रेड अलर्ट दे रहे हैं, और वहाँ पे 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आने वाले दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। तेज बारिश के आसार को देखते हुए गोवा में आज स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं केरल के कई जिलों में शिक्षा संस्थानों में आज छुट्टी रहेगी ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।